गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम एकता, टीचर ऑफ श्री कृष्ण एजुकेशन सेंटर कटेरा। टुडे वी विल टॉक अबाउट द चैप्टर फोर्थ ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है स्टार्टिंग में, जिसमें कि बताया गया है कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। मतलब कि फूड सिक्योरिटी का मतलब ही होता है कि फूड को अवेलेबल करवाना, एसेसिबल और अफोर्डेबल करवाना सभी पीपल को सेम, मतलब कि सभी टाइम पे। अभी अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी क्या है, ये आगे एक्सप्लेन किया गया आपको डेप्थ में। तो जो पुअर हाउस होल्ड्स होते हैं वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं फूड इनसिक्योरिटी से। वनरेबल मतलब असुरक्षित होते हैं, क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं फूड की इनसिक्योरिटी से। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है फूड रिलेटेड प्रॉब्लम, या क्रॉप्स में आ गया, या फिर कोई जैसे कोरोना टाइम चल रहा है तो कोई बीमारी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं फूड से ये गरीब लोग ही अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी जो होती है ये डिपेंड करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। मतलब फूड सिक्योरिटी हमें तभी दी जाएगी जब हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। अब PDS क्या होता है ये भी आगे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इस चैप्टर में। तो गवर्नमेंट की विजिलेंस और एक्शन जो होते हैं टाइम पे, और ये सिक्योरिटी जो होती है इस थ्रेटेंड, मतलब कि जब गवर्नमेंट अगर विजिलेंस मतलब देख रेख करती है, एक्शन लेती है टाइम पे, तो ये फूड सिक्योरिटी जो होती है ये लोगों को प्रोवाइड होती है। तभी ये थोड़ा डर के रहती है अगर जब गवर्नमेंट अपना एक्शन लेती है। तो यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, कि फूड सिक्योरिटी क्या है। तो फूड इज़ एज एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज़ फॉर ब्रीथिंग। तो फूड उतना ही ज़रूरी है हमारे जीवित रहने के लिए जितना कि हमारे सांस लेने के लिए एयर ज़रूरी है। बट फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है समथिंग मोर देन गेटिंग 2 square meals। मतलब दो वक्त की जो हम रोटी खाते हैं उससे कुछ ज़्यादा जब हमारे पास हो उसे फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। फूड सिक्योरिटी जो होती है उनकी अलग अलग डायमेंशंस है, मतलब ये टाइप्स बताई गई हैं जो ऊपर ओवरव्यू में था उसको अब एक्सप्लेन किया हुआ है डेप्थ में, कि फर्स्ट है अवेलेबिलिटी, सेकंड है एसेसिबिलिटी एंड थर्ड है अफोर्डेबिलिटी। तीनों के मीनिंग थोड़े से सिमिलर से हैं, थोड़ा लिटल डिफरेंस है, तो थोड़ा ध्यान से समझना कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इसका मतलब क्या होता है। मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इम्पोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज। इट मीन्स अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि फूड प्रोडक्शन हमारी कंट्री के अंदर ही हो, फूड हम इम्पोर्ट करें। इम्पोर्ट होता है मंगवाना, ठीक है, एक्सपोर्ट होता है बाहर भेजना, इम्पोर्ट होता है मंगवाना। तो फूड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब ये कि फूड प्रोडक्शन हम कंट्री के अंदर करें और फूड इम्पोर्ट करें, और प्रीवियस ईयर का स्टॉक जो है गवर्नमेंट की ग्रेनरीज, मतलब कि गवर्नमेंट को जो स्टोर है वहाँ पे स्टॉक पड़ा हो पिछले साल का भी, तभी हम फूड सिक्योरिटी में फूड सिक्योरिटी कहेंगे। इट मींस हम अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कहेंगे, मतलब फूड हमारे पास है। सेकेंड एसेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी का मतलब होता है फूड इज़ विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, मतलब कि फूड जो है सबकी रीच में, रीच मतलब पहुंच में हो, हर पर्सन की पहुंच में हो। मतलब कि हमें ऐसा हो कि फूड हर जगह इजीली मिल जाए। अगर हम जैसे अब यहाँ पे रह रहे हैं हम लोग, तो अगर हम यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हमें जो भी हमारे नियर बाय जो भी शॉप होती है वहाँ पे हमें फ़ूड मिल जाए। ये ना हो कि फ़ूड लेने के लिए हमें काफ़ी दूर जाना पड़े फिर जाके हमें फ़ूड मिले, तो ऐसा ना हो। एसेसिबिलिटी का मतलब ये कि हर पर्सन की पहुँच में फ़ूड हो, ईज़िली उसको नियर बाय मिल जाए। एंड थर्ड है अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये है कि दैट एन इंडिविजुअल हैज़ इनफ मनी टू बाय सफिशेंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वंस डाइट्री नीड्स। इट मीन्स अफोर्डेबिलिटी का मतलब कि फूड का इतना को प्राइस रखें कि उसे लोग अफोर्ड कर सकें, मतलब ख़रीद सकें, मतलब कि इंडिविजुअल के पास इतना पैसा हो कि वो सफिशेंट फूड ख़रीद सके। एंड सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वंस डाइट्री नीड्स, और सेफ और न्यूट्रिशन फूड जो है हर किसी को ज़रूरत होता है तो उसे मिल जाए। शॉर्टली समझाऊँ तो फूड की 3 dimensions है, अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब फूड कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो, हमारे पास फूड का स्टॉक हो। असेसिबल मतलब हर पर्सन की पहुँच में हो फूड, एंड अफोर्डेबल मतलब कि उसका प्राइस इतना हो कि लोग उसे खरीद सकें। दस फूड सिक्योरिटी इज़ इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ़ enough food is available for all the persons। It means कि जो food security है हम country में तभी कह सकते हैं कि food security है अगर enough food जो है country में available है सभी person के लिए, मतलब जितनी population है country में उतना food है country में। And second point है
ऑल persons हैव द कैपेसिटी टू बाई फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी. इट मीन्स कि सारे persons के पास इतनी कैपेसिटी है, इतना पैसा है कि वो फूड खरीद सकते हैं जो उनको क्वालिटी के चाहिए फूड. एंड थर्ड, देर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड. मतलब कि कोई बैरियर मतलब रुकावट ना हो फूड तक पहुंचने में, मतलब फूड हर जगह एक्सेसिबल हो, हर जगह पहुंच में हो लोगों की. तो ये 3 पॉइंट्स अगर पूरे होते हैं तभी हम कहते हैं कि कंट्री जो है वो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फूड सिक्योरिटी होना क्यों ज़रूरी है. बेटा ऐसा क्यों, फूड सिक्योरिटी में 3 चीज़ें ही आती हैं, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी. तो ये 3 चीज़ें ही मेन फूड सिक्योरिटी में आती है. तो फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, तो अब इसमें आंसर दिया हुआ कि द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, व्हाइल पर्सन अबव द पॉवर्टी लाइन माइट आल्सो बी फूड इनसिक्योर. वो ये कह रहे हैं कि जो पुअर सेक्शन एक सोसाइटी का वो भी किसी टाइम पे फूड इनसिक्योर हो सकता है, और जो पॉवर्टी लाइन से अबव जो लोग हैं वो भी कई बार फूड इनसिक्योर हो सकते हैं. मतलब पॉवर्टी लाइन क्या होता है, ये सब क्या है, इसमें आपको मैं क्लियरली बताती हूँ. तो पावर्टी लाइन क्या होता है मैं बताती हूँ आपको. पावर्टी लाइन में क्या होता है, सरकार क्या करती है, सर्वे करती है. सर्वे में क्या होता है कि एक तो ये देखते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है, दूसरा ये चीज़ देख लेती है कि एक फैमिली जो है उसमें कितने मेम्बर्स जो है फैमिली के अर्न कर रहे हैं और उनकी इनकम कितनी है. सरकार का एक क्रिटेरिया होता है, क्रिटेरिया मतलब कि उसकी फिक्स्ड इनकम होती है कि अगर एक फैमिली में 10,000 मतलब कि अगर 5 जने सपोज़ करो कि अगर फैमिली में 5 जने रह रहे हैं और 5 जने में कम से कम वो फैमिली में 30,000 पर मंथ का आ रहा है, इट मीन्स वो पावर्टी लाइन से अबव है. अगर 30,000 से कम आ रहा है तो इट मीन्स कि वो पावर्टी लाइन से बिलो है, मतलब कि वो गरीब हैं. तो वो एक पावर्टी लाइन, एक गरीबी रेखा बना लेती है सरकार, कि एक फिक्स कर लेते कि अगर ये चीज़ें हैं इस फैमिली में, ये कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो मतलब कि वो पावर्टी लाइन से अबव है, अगर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो मतलब वो पावर्टी लाइन से बिलो है. तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो एक पुअर पर्सन है या फिर जो पावर्टी लाइन से चाहे अबव भी है, वो इनसिक्योर तब होता है फूड से जब नेशनल डिज़ास्टर या क्लाइमेटी, मतलब कि जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट सूखा पड़ गया, सुनामी आ गई या फिर क्रॉप्स फेल हो गए, तो इनके कारण फैमिली भूखमरी, फैमिली मीन्स भूखमरी, ये सब चीज़ें आ गई तो फूड इनसिक्योर हो जाते हैं. पुअर लोग भी हो जाते हैं और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं वो डिपेंड करते हैं, उन लोगों का जो खाना पीना है वो डिपेंड किस पे करता है, उनकी डेली इनकम से ही डिपेंड करता है. अगर उनको इनकम नहीं होगी, अगर अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी या कुछ भी गलत हो गया, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड वो पुअर लोग होंगे या मिडिल क्लास फैमिली ही होगी. हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ क्लाइमेटी, तो वो कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी किस तरह से अफेक्ट होती है जब कोई क्लाइमेटी आती है, लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड वगैरह कुछ भी आता है, तो फूड सिक्योरिटी कैसे अफेक्ट होती है. तो वे कह रहे हैं कि अगर सपोज करो नेचुरल क्लाइमेटी आ रही है, सपोज़ ड्रॉट सूखा पड़ गया, तो टोटल प्रोडक्शन जो होती है फूड ग्रेन की वो कम हो जाती है. अगर सूखा है, बारिश नहीं आई, तो फूड ग्रेन तो प्रोडक्शन होएगी नहीं. इससे क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगी अफेक्टेड एरियाज़ में, मतलब जहाँ जहाँ पे सूखा पड़े वहाँ पे फूड की शॉर्टेज हो जाएगी. तो शॉर्टेज ऑफ फूड के कारण जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे. प्राइसेस तभी बढ़ते हैं जब उसकी सप्लाई कम होती है, ठीक है. सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा, तो प्राइसेस बढ़ेंगे. तो हाई प्राइसेस पे कुछ पीपल जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, फूड नहीं खरीद पाएंगे. तो अगर ये क्लेमिटी जो है इन अ वेरी वाइड स्प्रेड ओवर वाइड स्प्रेड एरिया और स्ट्रेच्ड ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, मतलब अगर यही क्लाइमेटी थोड़े बड़े लेवल पे आ जाए या फिर एक काफ़ी लंबे समय के लिए आ जाए, तो इसके कारण क्या हो जाता है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाती है. स्टारवेशन मतलब भूखमरी, ठीक है. तो जिसमें क्या होता है कि लोग भूखे मरते हैं, मैसिव स्टारवेशन के कारण क्या होता है, फैमिनी आती है. मतलब अगर यही स्टारवेशन बड़े लेवल पे हो, मतलब जो लोग भूखे रह रहे हैं, अगर ये बड़े लेवल पे हो, तो ये फैमिनी में कन्वर्ट हो जाता है. फैमिनी मतलब भूखमरी, बात सेम ही है, डिफरेंस यही है, स्टारवेशन मतलब भूख एंड फैमिली मतलब भूखमरी. तो नेक्स्ट टॉपिक है हुअर फूड इनसिक्योर, मतलब कि फूड से इनसिक्योर कौन से लोग होते हैं. तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ एक पॉइंट को, कि हमारे अब टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, मतलब कि अब क्या है, सबके जो मोस्टली गरीब लोग हैं उनके जो काम वगैरह है वो सब बंद हो रखे हैं. तो अब क्या है कि जो गवर्नमेंट, आपने सुना होगा कि सरकार ने 3 महीने जब बिल्कुल ही लॉकडाउन था, तो उस टाइम पे सरकार ने 3 महीने तक राशन फ्री दिया था जो गरीब लोग थे. क्यों किया था ऐसा, इसीलिए किया था कि एक तो इंडिया में डेमोक्रेसी है,
जहाँ पे बेटा डेमोक्रेसी होएगी वहाँ की सरकार रिस्पॉन्सिबल होएगी, वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो ये कोई बीमारी या डिसीज़ आ गया है या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है, तो भी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। अगर आज हमारे डेमोक्रेसी ना होती तो सरकार हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल भी ना होती। तो फूड इनसिक्योर कौन से लोग होते हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लार्ज सेक्शन जो है पीपल का वो सफ़र करते हैं फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी से इंडिया में। वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप जो होते हैं वो ये वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, वो होते हैं लैंडलेस पीपल, जिनके पास ज़मीन नहीं है और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन। और ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है वो क्या करते हैं, या किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं फूड से। ट्रेडिशनल आर्टिशंस हो गए, जो पुराने आर्टिशन हो गए, प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, जो पुराने सर्विसेज प्रोवाइड करवाते थे वो लोग हो गए, या पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, या छोटे छोटे जो खुद एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, बैगर्स हो गए, वो सब जो भिखारी हो गए, ये सब लोग क्या होते हैं, ये ज़्यादा फूड से इनसिक्योर होते हैं, मतलब ये जल्दी इफ़ेक्ट होते हैं फूड से। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं पे पड़ता है। तो अर्बन एरिया शहरों में बात करें तो फूड इनसिक्योर फैमिलीज़ जो होती है वो होती हैं जो वर्किंग मेम्बर्स होती हैं, मतलब कि जो छोटे छोटे इल पेड ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, कैजुअल लेबर जो दिहाड़ी पे काम करते हैं शहरों में, वो लोग सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं फूड से अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया फूड सिक्योरिटी क्या होती है, क्यों गवर्नमेंट हमें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि सरकार रिस्पॉन्सिबल है, दैट्स वाई वो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।